फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए इस तरह से नंदलाल जी, यशोदा जी और बाल कृष्णा जी, जो हमने पिछले पार्ट में बनाए हैं। इस पार्ट में हम बनाते हैं नंदलाल जी और यशोदा मैया जी। इस तरह से हमने गुड्डा गुड्डी ली है और ये नंदलाल जी के लिए व्हाइट कलर की धोती बनाते हैं। इस तरह से व्हाइट कपड़ा लेते हुए कुछ डेकोरेशन का सामान दिया है। हम सबसे पहले धोती पहनाते हैं, इसके लिए हमने ये सब पल्ले के बीचों बीच से हमने एक स्टिच लगा देनी है और सामने से प्लेट्स बना लेनी है और एक प्लेट्स को भी एक स्टिच लगा देनी है और दोनों को नील देते हुए पीछे से लेते जाते हुए इस तरह से पीछे से भी करते हुए ऐसे प्लेट लगाएंगे सामने से और पीछे से भी ऐसे स्टिच कर देंगे सुई धागे की सहायता से। इस तरह से हमने धोती पहनाते हैं, स्टिच करते हैं और ये देखो इस तरह से हमने ये स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। और इन्हें हम कमरबंद लगाते हैं, इसके लिए मैंने राखी ली है। अब हम इन्हें फेटा बांधने के लिए ऐसा कपड़ा लेते हैं, लंबा कपड़ा चाहिए होगा हमें। इस तरह से मैंने लेस वाला कपड़ा लिया है और इसे बस राउंड राउंड घुमाते हुए फेटे का शेप दे देना है और इसे स्टिच लगा के फिट करना है। इस तरह से हमने इन्हें ऊपर से एक डेकोरेशन भी लगा लिया है और ये स्टिच लगा के हमने इन्हें माला वगैरह पहना के दाढ़ी मूछ बना के रेडी कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे भी हमने राखी बांधी है। अब हम बनाते हैं यशोदा मैया, जिसके लिए लिए हमने ये प्लास्टिक की डॉल, ये मूवेबल डॉल है और कुछ डेकोरेशन का सामान, ये घाघरा चोली बनाने के लिए कपड़ा सीक्वेंस वर्क में लिया है और उनकी हाइट के हिसाब से ये हमें काट लेना है। कमर से नीचे तक का माप लेते हुए और इसे नीचे से फोल्ड कर लेके एक स्टिच लगा देनी है और हमें इसे ऊपर से ऐसी प्लेट्स बनानी है और ये प्लेट्स को भी स्टिच लगाते हुए पूरा सिल लेना है। हम इसे मशीन पे भी सिल सकते हैं और हाथ से भी सिल सकते हैं। ऐसे पूरी एक तरफ से सिल लेना है इस प्रकार से और बस इसे पहनाते हुए पीछे से एक टाका लगा के सिल देना है। इस तरह से हमने ये प्लेट्स बनाते हुए घाघरा सिल लिया है और इसे पूरी राउंड तरफ राउंड करते हुए इसे पीछे से एक टाका लगा देना है। इस प्रकार से एक सीधी सिलाई लगाते हुए ये पूरा घाघरा स्टिच कर लेना है कुछ इस प्रकार से। अब हम इनके लिए ब्लाउज बनाते हैं। इसके लिए ऐसा छोटा सा कपड़ा लेते हुए इन्हें फोल्ड करना है और बीचों बीच एक त्रिकोण शेप का गले का आकार बना देना है और बीच में से एक काट लेना है। इस तरह का से हमने ट्रायंगल शेप दे दिया है और पीछे के हिस्से में ऐसा एक कट लगा देते हैं जिससे यह पहनाने में इजी हो जाए। इस प्रकार से अब हम इनकी स्लीव्स भी बनाते हैं। बस ऐसे पीछे से सिल देना है हमें और ऐसे सिल स्लीव्स भी बनाई है, वो भी स्टिच कर दिए और पीछे से हमने टाके लगा के फिट कर दिए। इन्हें चूड़े भी पहना दिए, बॉल लेस का यूज़ किया है और ये कुछ आर्टिफिशियल बाल मिलते हैं, इसे हमें फेविक गम से चिपका देना है और ये कुछ बिंदी वगैरह लगा के हमने इन्हें डेकोरेट किया है। इनकी आईब्रोज भी हम मार्कर पेन से वगैरह डार्क कर देते हैं। इस तरह से हमने बाल वगैरह लगा के पूरा रेडी कर लिया है यशोदा मैया जी के साथ। बाल कृष्ण हमने पिछली वीडियो में बनाए थे, इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया है यशोदा मैया और नंदलाल जी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।